चलिए बढ़ते हैं। आजम खां की अखिलेश यादव से नाराजगी का फायदा तमाम सियासी दल उठाने की तैयारी में लगे हैं। अखिलेश की अनदेशी से नाराज आजम को मनाने के लिए तमाम सियासी दल जेल परिक्रमा में लगे हैं, जिसे देखकर लगता है कि 24 के चुनाव से पहले नया मोर्चा बन सकता है। चाचा भतीजे के बीच चल रही रार किसी से छिपी नहीं है और इन्हीं सब के बीच नए सियासी समीकरण या यूं कहें नए मोर्चा बनने की बात दबी जुबान शुरू हो गई है। अखिलेश की अनदेखी से नाराज तमाम नेता आजम खां के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जो आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने आजम खां साहब को लेके कहा है वो सच है। अगर समाजवादी पार्टी नेताजी के नेतृत्व में लोकसभा में जिस समय आजम खां साहब भी सांसद थे, आदरणीय अखिलेश जी भी सांसद थे, उस समय नेताजी के नेतृत्व में अगर संसद भवन के अंदर धरने पे नेताजी बैठ गए होते तो कहीं ना कहीं ये सच है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नेताजी का बहुत सम्मान करते हैं और फिर आजम खां साहब की जेलों से छुट्टी हो जाती। नेताजी के लिए बदले सुर और एकाएक बयानों में आए बदलाव के चलते सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवपाल यादव आजम खां से मुलाकात के बाद किसी नए मोर्चे की कल्पना कर रहे हैं। एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक की हमदर्दी है तो दूसरी तरफ सपा नेतृत्व को चुनौती भी। नाराज चलने वाले नेताओं को एक छत के नीचे लाने की कवायद भी कर रहे हैं, वही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी मौके के इंतजार में है। आजम खां साहब न्याय प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और दोनों विधायक हैं, आपस में तालमेल कर लें पहले तो। और अखिलेश यादव उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी से शिवपाल भी निर्वाचित हैं, तो आखिर नैतिकता होती है राजनीति में। नैतिकता की बात हो तो शिवपाल जी को बताना चाहिए, उनकी अपनी एक पार्टी थी, फिर उन वो समाजवादी पार्टी से सुन के गए, तो पहले चाचा और भतीजा तय कर लें। तो लगातार ये है कि बयान भी शिवपाल भी बयान लगातार देते रहते हैं और आजम खां तो न्याय प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, तो जनता अदालत तय करेगी कि क्या होना है क्या नहीं होना। इस नए मोर्चे की सुखबुगाहट ने बीजेपी के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। बीजेपी तो चाहती है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष नए नए राजनीतिक प्रयोग करते रहे। ये परिवारों की लड़ाई है जो पब्लिक में रोज सामने आ रही, तरह तरह की बयानबाजी हो रही, कयासबाजी हो रही और आजम खां पे नूरा कुश्ती हो रही। मुझे लगता है पब्लिक के सब संज्ञान में और ये इसीलिए जो मैंडेट जनता ने दिया है इसी को देख कर दिया योगी आदित्यनाथ को, इसीलिए मुख्यमंत्री चुना है कि इस लड़ाई से जनता का कोई लेना देना नहीं। आजकल जिस तरह से सियासी दल आजम खां की परिक्रमा में लगे हैं उसे देख कर तो लगता है कि 24 के चुनाव से पहले यूपी में एक नया मोर्चा दिखाई दे सकता है। हालांकि आजम ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। टीम न्यूज स्टेट। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इफ्तार पार्टी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। अखिलेश लखनऊ में इफ्तार पार्टी में नजर आए, जहां पर उन्होंने इस बात को दोहराया कि समाजवादी पार्टी आजम खां के साथ है। कानून व्यवस्था पर बहस न हो, लोगों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उस पर बहस न हो, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, समाजवादी पार्टी आजम खां साहब के साथ है। लखनऊ विकास प्राधिकरण 2007 से लेकर 2012 के बीच में मायावती सरकार के बनाए स्मारक पार्कों को बहुत जल्द ही उनके पुराने रंग रूप में और पहले जैसा बनाने की कवायद में लग गया है। इसी मामले को लेकर एलडीए के वीसी अक्षर त्रिपाठी से न्यूज स्टेट संवाददाता आलोक पांडे ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है सुनाते हैं आपको। एलडीए लगातार लखनऊ में काम कर रहा है लेकिन एलडीए को चुनौतियां भी मिल रही हैं। हम बात 2007 से 12 के बीच कर रहे हैं जब बीएसपी के दौर में कई पार्क यहां से लेकर नोएडा तक बनाया गया और हाल ही में वहां बीएसपी की तरफ से शिकायत की गई कि उन पार्कों के रखरखाव में लापरवाही हो रही है। सर, किस तरह की शिकायतें थी और किस तरह एलडीए उनको मीट आउट कर रहा है? जो संबंधित पत्र की आपने चर्चा की उसमें दो भागों में विभाजित करके देखा जा सकता है। एक भाग वो जिसके में उसके रख रखाव या फिर कोई ऐसे रिपेयर के विषय में उन्होंने अपनी बात रखी थी और दूसरा पोर्शन वो जिसमें उन्होंने कर्मचारियों जो क्योंकि 2010 में इन सेवा नियमावली बनी थी और जो राज्य सरकार की कर्मचारी नियमावली है वो उस पर लागू नहीं है, उस विषय में उन्होंने बात रखी थी। तो जो पहला विषय था वो जो रेगुलर मेंटेनेंस का विषय है उसको तीन पार्ट्स में हमने सारे पॉइंट्स को विभक्त कर लिया है। उसमें जिस जहाँ जहाँ पर कार्यदायी संस्था आरएनएन रही थी उसमें समस्त एस्टिमेट आरएनएन से प्राप्त कर लिए गए हैं, बजट
एक्ट भी उतना सैंक्शन हो गया। एलडीए से वेटिंग की प्रोसेस में है, हम प्रयास है कि अगले 15 दिन में हम आरएनएन को उसकी धनराशि हस्तगत कर देंगे तो वो कार्य कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी के कार्य वो थे जहाँ पर एलडीए स्वयं कार्यदायी संस्था थी, और मेजर ऐसे चीज़ें आई हैं जहाँ पर अगर गुंबद से लीकेज या उसकी बात करें तो उसके लिए आईटी का सहयोग लेना पड़ा है टेक्निकल सुधार करने के लिए, तो उसमें एलडीए के माध्यम से एस्टिमेट दे के वो कार्य कराया जाना है। तीसरा जो छोटे मोटे मेंटेनेंस के कार्य हैं वो उसकी भी लिस्टिंग कर ली गई है, लगभग 12 ऐसे कार्य हैं जो कि संबंधित पार्कों के जो प्रबंधक हैं उनके द्वारा इसको कराया जाएगा। जो कर्मचारियों से रिलेटेड जितने भी बिंदु थे, जो 58 से 60 साल उनकी रिटायरमेंट एज होना या लीव रूल्स ACP सातवें वेतन आयोग राज्य कर्मचारियों की तरह लागू करना या मृतकाशित नियमावली, ये सभी बिंदु हमने अभी पिछली आम सभा की बैठक में रखे थे। उस पर ये सहमति बनी थी कि शासन के पूर्व अनुमोदन के बाद इसको किया जाए, तो अब उनके पत्र में भी उन बिंदुओं को उल्लिखित किया गया, तो उनको समेकित करते हुए शासन को हम प्रस्ताव भेज रहे हैं। अगर वहाँ से सहमति बनती है तो नियमावली में संशोधन करके किया जाएगा जिससे कर्मचारियों को भी लाभ मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्ट्रीट, लखनऊ।